MAH महाराष्ट्र का यहाँ पर डबल ए सी सी डी 2022 का जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दी गई, आपको वो कहाँ पर जा कर के चेक करनी थी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वैसा तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करें, वहाँ पर टाइप करें जो मैंने टाइप किया हुआ MAH एंड डबल ए सी सी टी 2022 एंड IAS पेपर, ये टाइप करनी है और आपको सर्च करनी है। सर्च करते ही आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी है, बट वहाँ पर पढ़नी है कि आपको लिखा हुआ रहना चाहिए वो वेबसाइट का http://www.iaspaper.net, और वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए MAH AAC CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। उसके नीचे वाला जो है ना यहाँ पर वो वाला क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्टेड लिखा हुआ रहना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 3rd March 2022 महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट, तो महाराष्ट्र MA ठीक है, आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये CET जो भी है सब देख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप आगे चलते हैं। जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की नोटिफिकेशन आपको दिख जाती है, सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें जिसमें आपका अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, और फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करनी होती है। इससे ये होता है कि आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलता है, तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करनी पड़ेगी एंड आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ओपन हो जाते हैं। और आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशंस, ऑन गोइंग इवेंट वगैरह सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप सभी डिटेल्स पढ़ें, और कैंडिडेट्स कैन यूज़ ओनली ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आईडी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो एक्सेप्ट करना होता है। कैंडिडेट्स आप अपना फुल नेम लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर मराठी में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर अपना फुल नेम, पूरा नाम लिखेंगे, क्या है आपका नाम, जो आपके 10वीं और 12वीं, 12th एंड 10th के मार्कशीट पे नाम लिखा होगा, आप वो वही नाम यूज़ करेंगे। फादर नेम ठीक है, और मदर नेम, आपका लिंक कौन सा है, जेंडर मेल या फीमेल, कंफर्म, ओके। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी रहेगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, एंड डेट हो गया। रिलीजन, धर्म, रिलीजन हिंदू मुस्लिम, कास्ट विच कास्ट, राइट, ओके। रीजन टू विच यू बिलोंग, रूरल अर्बन कौन सा, एंड एनुअल एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे, मदर टंग यहाँ पर बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस, व्हाट इज़ योर परमानेंट एड्रेस, सो एड्रेस वन, एड्रेस टू, थर्ड, स्टेट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इफ़ योर महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड आपको यहाँ पर टिक करनी होती है एंड यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर तालुका सेलेक्ट करनी होती है। सो आप यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होती है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करने क्या होते हैं कि आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप टिक करके आप सेम पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप यहाँ पर एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस के लिए और सेम एज़ परमानेंट एड्रेस यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि आपके पास दो एड्रेस है तो आप दो एड्रेस फिल करें, आपके पास एक एड्रेस है तो दूसरा वाला क्या करेंगे, खाली नहीं छोड़ना है, बट आपको यहाँ पर टिक करते ही वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब आप यहाँ पर फिल करेंगे पहले से ही। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, वन टाइम पासवर्ड के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होता है यहाँ पर, और आपका आपका ईमेल आईडी क्या है वो बताना होता है। चूज़ योर पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर एक चूज़ करना होगा, मतलब क्रिएट करना होगा, 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग,
पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन अपर कास्ट अल्फ़ाबेट, पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन लोअर कास्ट अल्फ़ाबेट, लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर्स, एट द रेट एक्सक्लेमेटरी मार्क हैशटैग डॉलर्स एंड परसेंटेज, ओके एंड स्टार मार्क हाइफ़ेन, यू कैन नॉट कॉपी कंट्रोल सी पेस्ट, ओके आप नहीं कर सकते, राइट क्लिक पासवर्ड इनटू द पासवर्ड फील्ड, तो यहाँ पर आपको फिल करनी होती है, क्लिक करके फिल करके एंड प्रो सेव एंड प्रोसीड क्लिक करके सेव करना होगा। फिर आपका ओटीपी टाइप फिल करने के बाद जब आप, तो यहाँ पर मेरा करेस्पॉन्डेंस हो गया, आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करनी होती है और साइन इन पर क्लिक करना होता है, ओके आप जब पासवर्ड आईडी पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको आपने जो क्रिएट किया था वो आपका जो एप्लीकेशन आईडी है नंबर जो था वो आपको मिलेगा, आपको पहले वहाँ पर भी दिखा दिया जाता है और आपको आपको मैसेज भी कर दिया जाता है, टेक्स्ट मैसेज इस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में आपको लिखा रहेगा आपका एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया था वो आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्रिएट किया था वो फिल किया और पासवर्ड, अब आगे यहाँ पर करना क्या होता है मुझे कि अब कंप्लीट पे क्लिक करना होगा, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी थी मैंने जो कंप्लीट करनी होगी। डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करें, कैटेगरी कैंडिडेट्स बताएं अपना, ठीक है, एनुअल योर एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर देखने को मिलता है, और भी यहाँ पर है ओबीसी है एससी है अगर आप जो भी आपकी रह सकती है। तो आगे चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हाँ या ना कर सकते हैं, और यहाँ पर एंटर कास्ट नेम, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज यहाँ पर बताएं, हैं तो यस, नहीं है तो नहीं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता सकते हैं यहाँ पर आप, और सेवन प्रोसीड कर क्लिक करना, तो जब आप सेवन कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे कि आपको क्या दिखाई देता है, एसएससी का क्वालिफिकेशंस वगैरह पूछ रहा है, हैव यू पास क्लास टेंथ इक्विवेलेंस, तो अगर आपने पास किया तो आप यस बोलेंगे, नहीं पास किया तो ठीक है नो बोलेंगे, तो यहाँ पर यस या नो में आंसर देना होता है, अगर आपने किया तो यस पे क्लिक करें, और आप बोर्ड बताएंगे कौन से बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिया, पासिंग ईयर बता सकते हैं पासिंग ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, और एंटर द इक्विवेलेशन परसेंटेज यहाँ पर बतानी होती है। नेक्स्ट आप बताएंगे सेलेक्ट द स्टेट ऑफ फ्रॉम द विच यू पास, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द विच यू पास टेंथ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुए, स्कूल का नाम बताना होता है, फिर आप ट्वेल्थ का इसी तरीके से डिटेल देंगे, ट्वेल्थ का डिटेल देंगे तो आप यहाँ पर पास किए या फिर नहीं किए वो बताना होता है, सेलेक्ट एच एस सी इक्विवेलेशन बोर्ड, राइट, ट्वेल्थ का स्टेट सिटी एंड स्कूल कॉलेज नेम, सेवन प्रोसीड पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये होगा कि अप्लाई कर सकेंगे स्पोर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर सेवन प्रोसीड क्लिक करते हैं, स्पेसिफाई एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने थे आपको, ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इतना कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक करूँगा, क्वालिफिकेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर यही सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होती है एग्जामिनेशन सेंटर्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है एग्जामिनेशन सेंटर्स, यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट करनी होती है, फिर ये थर्ड सेलेक्ट और सेवन प्रोसीड क्लिक करनी है, आपका अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, ओपन करना होगा और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी, क्रॉप करना होगा, ठीक है क्रॉप करना होगा सही से, और अपलोड पर क्लिक करना होगा, ये होगा आपका सिग्नेचर फ़ोटो, आप सिग्नेचर पर भी सेम यही चीज़ करना और आगे बढ़ना, सेवन कंटिन्यू, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ, ओके अपलोड होने के बाद सेवन कंटिन्यू, एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप, और सेम प्रोसीड पर क्लिक करना, आर यू श्योर टू पेमेंट, यस आई एम श्योर टू पेमेंट, और यहाँ पर पेमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक करनी होती है, आपको 1700 रुपीज़ पेमेंट करनी होगी, एग्री करनी है और प्रोसीड करनी है ऑनलाइन पे क्लिक करके, यहाँ पर रोज़ पे भी दोनों अवेलेबल है, क्लिक करके ओके करना होगा, प्रोसीड पे जब आप क्लिक कर देते तो चाहे तो इससे कर सकते हैं,
या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, इसको हटा करके एग्री प्रोसीड टू पे। डू यू वांट टू प्रोसीड टू करेंट पेमेंट सेलेक्शंस एंड यू विल रिडायरेक्ट द पेमेंट गेटवे फॉर्म। ओके तो मैंने यहाँ पर किया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पे पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होगी, तो मैं जैसे मैं आपको मैंने बताया, तो ये सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी जो बहुत ही सिंपल है और आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसे मैं कट कर दूंगा, ये फिल हो जाने के बाद आपका ना पेमेंट हो जाएगा, तो आप इसे फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। तो ये आपके प्रोसेस थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना भूलना। थैंक यू।